यो आकाशवाणी जम्मू जावेद चौधरी ते मोहम्मद मीन अंजुम ते खबर सुनो। कोविड 19 ते सेहत याब होने वाला अफराद की 16% में बेहतरी आई है ते या हुण 97.32 हो गई है। भारत गो पहलो सीएनजी ट्रैक्टर अज ते चलना शुरू हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सैक्रेटरी नितेशवर कुमार ने अज एक मीटिंग मुनकद की है ते जिला उधमपुर में हुनर तरक्यात का सिलसिला में अज एक वैबिनार को इनकार की हो गयो। खबरें की तफसील नाल पहला मोहम्मद अमीन अंजुम। कोविड 19 की बच गए सेहत याब हो जाने वाला मरीजों की 16% में होर बेहतरी आई है। इस तरह मुल्क में या 16% हूँ 97.32 हो गई है। वजारत सेहत ने दस्सिया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,858 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। तो इस तरह हूँ तोड़ी मुल्क में कोविड 19 की बच गए सेहत याब हो जाने वाला मरीजों की तादाद 1,05,99,230 हो गई है। इस सिलसिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 का 9,309 सजरा मामला बांधे आने की रिपोर्ट है, जबकि 87 अफराद की वफात भी हो गई है। काबिले जिक्र है जी मुल्क में कोविड 19 का कुल मामलों की तादाद 1,08,80,603 हो गई। तो इस तरह वफात पा जाने वाला मरीजों की गिनती 1,55,447 तक पहुँच गई है। वजह है जी इस वेले मुल्क में कोविड 19 का मुतरक मामलों की तादाद 1,35,926 है। सरकार ने कहा है जी मुल्क में हुण तोड़ी 75 लाख से मता अफराद ना कोविड 19 से बचाव का टीका लाया गया है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है जी भारत सबसे मती तेजी 70 लाख टीका लाने को निशानों पार करने वाला मुल्क बन गया है। इस सिलसिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,87,000 से मता तीबी कारकुनों ने टीका लाया गया। इस जमन में रोजाना के बुनियाद पर टीका ते मुस्तफीद होने वाला अफराद की तादाद में बेहतरी आ रही है। टीकाकारी के तहत 58 लाख तिबी कारकुना के नाल नाल 16 लाख अगली सफ में काम करने वाला अफराद ना भी अनियोगे हुए। इस सिलसिले में 10 रियासतों ते मरकजी जेरी इंतजाम इलाकों ने मुस्तफीद होने वाला कुल अफराद विचों 69% अफराद ना टीका ला दिता है। उत्तर प्रदेश ने कुल मुस्तफीद होने वाला अफराद विचों 10.2% लोगों ना टीका लाया है। भारत को पहलो सीएनजी ट्रैक्टर आज चलाया जा रहा है। इस सीएनजी ट्रैक्टर की मदद नाल किसानों की आमदन में वाधो वेगो ते इस तरह दे ही भारत में घट कीमत नाल रोजगार का मौका पैदा किया जाएगी कोशिश कामयाबी नाल हो जाएगी। दस्सिया गया है कि डीजल नाल चलने वाला ट्रैक्टर का मुकाबला में सीएनजी नाल चलने वाला ट्रैक्टर ईंधन का सिलसिला में सस्तो रहे ते इस तरह इंजन मती देर तक चले। यो ट्रैक्टर हवा में बड़ी घट आलूदगी छोड़े। भलिया लोगों छोटा तो दरमियाना दर्जा का सनती यूनिटा बारे वजारत ने जानकारी दी है कि 5 वर्षों के अंदर मुल्क में 1,02,00,000 से मता MSMEs कारखाना दर्ज किए गए हैं। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में भलिया लोगों छोटा तो दरमियाना दर्जा का सनती यूनिटा बारे वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योग आधार पोर्टल के मुताबिक साल 2015 से जून 2020 विचकार 1,02,32,463 MSMEs दर्ज किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि MSME वजारत ने मुल्क में MSME सैक्टर की भलाई बेहतरी वास्ते कई दूजी स्कीम अमलाई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई शुरुआत की ताकि मुल्क में खासकर कोविड 19 वबा के दौरान MSME सैक्टर ना हमायत दी जा सके। सैलाब आने की पेशनगोई करने का सिलसिला बारे एक अहम कदम के तहत जम्मू कश्मीर ने बरतानिया का खलाई एजेंसी प्रोग्राम नाल हाथ मिलाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम नाल सैलाब का इम्कान बारे खिदमात वास्ते एक नवो कदम करा दितो। उन्होंने कहा जी इस कदम का नतीजा में सैलाब से बचने वास्ते मनसूबा बनाने में मौसर फायदो मिलेगा। LG मौसूफ ने मजीद कहा जी इस तरीकाकार की मदद नाल सैलाब से होने वाला नुकसान से बचने वास्ते इकदम चाया जा सकेगा और सैलाब के दौरान लोगों ना पेश आन आली ललकार घट की जा सकेगी। देही तरक्यात बारे महकमा का मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने अज कहा जी जद भी MG नरेगा ने मुतालबो कियो उसको मुतालबो पूरा करने वास्ते कोशिश की गई। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा जी MG नरेगा मांग में वाधा ते बाद बजट में इजाफो कियो गयो। उन्होंने कहा जी रवा माली साल में कुल 1,11,000 करोड़ रुपया से मती मुख्तस रकम विचों मजकूरा स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 करोड़ रुपया पहला ही रियासतों ना दिता जा चुका है। एक होर सवाल का जवाब में वजीर ममलिकत साधवी निरंजन ज्योति ने कहा जे MG नरेगा स्कीम ना होती तो कोविड 19 के दौरान माइग्रेंट मजदूरों का काम रोजगार नहीं मिलते। उन्होंने कहा जी रियासत इस सिलसिले में काम का दिहाड़ा बढ़ा सकें तो केरला और दो होर रियासतों ने ऐसो कियो भी है।
महकमा ज़रात की तरफों ज़िला रियासी में एक रोज़ा किसान मेला ते नुमाइश का इनका किया गया। यो प्रोग्राम मरकजी स्कीम SMAE आत्मा के तहत मुनद किया गया। तकरीब को अफ्तताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहतरमा इंदू कंवल चिब ने किया। इस मौके पर बाग बाग महकमा की तरफों स्टाल लाया गया, जिनमें महकमा बागबानी माल चोखर बारे महकमो ते रेशम की पैदावार बारे महकमा और फुलबाणी महकमा का स्टाल भी शामिल था। तकरीब के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर रियासी ने अफसर पर जोर पायो जे वे पंचायत सतह पर किसानों नाल तालमेल रखें। उन्होंने किसानों भी कहो जे वे मरकज की तरफों चलाई गई स्कीम से मता तो मतों फायदों हासिल करें। इस मौके पर होर मती जानकारी देता मैं मोहतरमा इंदू कंवल चिब ने इस तरह कहो। पूरा हमारा फार्मिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट। और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक सुओ मोटो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन है। आम ही लोग जो है फर्टिलाइजर्स का और यूरिया वगैरह का कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाली बहुत सारी सब्जियां, बहुत बड़ी बढ़िया सैंपल जो है एक कॉम्पिटिशन की शक्ल में यहाँ पर प्रदर्शित है। ये खबर तो हम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। मजीद खबर जावेद चौधरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सैक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आज एक मीटिंग मुनकद की, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जायजा मीटिंग के दौरान दी गई हिदायत की अमल आवरी को जायजा लिया जा सके। 270 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की शाहरा नंबर N44 पर जरूरी मुरम्मत की वजह नाल गड़िया की नकलो हरकत रोक दी गई है। इस सिलसिले में DSP ट्रैफिक ने दस्सियो जे अज शुरू कियो गयो यो काम भलक सवेर तक मुकम्मल हो जाने मुतवक्का है। अजकल के दौर में हुनर की अहमियत न मद्देनजर रखता मां गवर्नमेंट PG कॉलेज ब्राय खवातीन गांधीनगर ने जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी ते ईजाद बारे कौंसल साइंस ते टेक्नोलॉजी महकमा ठंडा बद्दर उधमपुर का इश्तराक नाल एक वेबिनार को इनकाद कियो। एक रोजा यो वेबिनार आज उधमपुर में मुनाकद कियो गयो, जिसको मौजूद हो पायदार तरक्की वास्ते हुनर साजी। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता नागरी जेडी जी प्रोग्राम की मेहमान खसूसी थी ने अपने इफ्तिताही खिताब में हुनर साजी की अहमियत पर जोर पाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर का नौजवान ने तरगीब दी जे वे अपना आप न बख बख हुनर की मदद नाल लेस करें, ताकि तेजी नाल बदती मईशत का मुतालबात को मुकाबलो कियो जा सके। इस मौके पर तकरीबन 100 शिरकतकारों ने हिस्सा लियो, जिनमें अहम शख्सियत है जम्मू और उधमपुर का तालिब इलम भी शामिल था। 583 सब इंस्पेक्टर ते 3 DSP ने आज पुलिस अकेडमी उधमपुर ते पास आउट कियो गयो। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सैना ने मेहमान खसूसी था, जबकि परेड का मौके पर शिमाली कमांड का GOC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, हवाई फौज बारे जम्मू कश्मीर का सरबराह तेजेंद्र सिंह, सलाहकार RR भटनागर और फारूक खान ते कुछ होर अफसर भी मौजूद था। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सलामी ली ते बाद में मजकूरा जवाना की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर बोलता मां जनाब सेना ने इस तरह क्यों साइबर थ्रेट की तरह बड़ा खतरा बन चुका है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके किस तरह से अफवाहें फैला करके शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है। सामान्य तौर पर अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे तो 2019 में पूरे देश में जो साइबर अपराध हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा मात्र 0.5% है। आप लोगों ने एक साल के कोर्स में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, इसलिए डिटेल में न जाकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो इस फोरम के लिए महत्वपूर्ण भी है, और जब आप यहां से अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे सबसे पहला काम अपने क्रिटिकल एसेट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का आप करें, ये मेरी सलाह होगी। और आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी, बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सभी के लिए नियम बनाना, रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, ये बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है, और वह मैंने देखा कि आप लोगों में कूट कूट करके भरा है। मित्रों, इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, रोज कुछ न कुछ नई घटनाओं से नई सीख मिलती है और आपको भी आने वाले समय में यह सीख मिलने वाली है। इसके नाली गोजरी में खबर को यू बुलेटिन खत्म हुआ।